हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशिका तोंगर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर वोकैब सीरीज वीडियो। हाँ भाई, तो जल्दी से अपना हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम अपने कौन से वर्ड्स करने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है सिनोनिम से। सिनोनिम क्या होते हैं भाई? सिमिलर इन मीनिंग। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा डायबॉलिकल। अब डायबॉलिकल का हमें सिनोनिम बताना है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँ ना, तो डायबॉलिकल को आप रिलेट कर सकते हैं डेविल से, ठीक है? डेविलिश, जो क्या होते हैं भाई, जो थोड़े डेविलिश नेचर के होते हैं, इविल नेचर के होते हैं। मतलब कैसे भाई? वो बहुत ही बेकार इंसान है, घटिया इंसान है, हमेशा दूसरों का बुरा चाहने वाले, ठीक है? जो डायबॉलिकल होता है वो क्या होता है भाई? बहुत ही बुरा इंसान होता है, घटिया इंसान होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैलिशियस, ठीक है? ये जो हमारा मेल वर्ड है ना, MAL, ये वर्ड हमेशा सेंस देता है बैड की, ठीक है? बैड की, इविल की। आपको ये वर्ड जहां भी दिखेगा, ये हमेशा क्या सेंस देगा? ये हमेशा सेंस देगा कि कुछ गलत है, कुछ इविल है। तो मैलिशियस पर्सन भी कैसा होता है भाई? मैलिशियस पर्सन भी हमेशा दूसरों का बुरा करना चाहता है कि भाई दूसरे का नुकसान हो जाए। उसे अपने से मतलब नहीं है, उसका बस ये है कि भाई दूसरे का नुकसान हो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेजन। तो भाई ब्रेजन का सिंपल सा मतलब होता है बेशरम, ठीक है? ब्रेजन का सिंपल सा मतलब क्या है भाई? सिंपल सा इसका मतलब है बेशरम। तो भाई बेशरम का क्या आएगा? अशेम्ड तो होता है शर्मसार, यहां पे आंसर आएगा अनअशेम्ड, ओके? ट्रांजिएंट, हाँ भाई, ट्रांजिएंट वर्ड मैंने इतनी बार कराया है। ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है? क्षण भर, ठीक है? ये जो हमारा वर्ड है ट्रांजिएंट, इसका मतलब क्या होता है? क्षण भर, ठीक है? कोई चीज है जो क्या होती है भाई? शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अगर मैं सिंपल से लिखूं, शॉर्ट टर्म। और इसके सिनोनिम क्या थे? हाँ जी, एक तो इसका सिनोनिम क्या था? फ्लीटिंग था। और क्या था भाई? मोमेंट्स के लिए है, मोमेंट्री है, राइट? मोमेंट्री है। और क्या है भाई? अफीम का नशा क्या होता है? बहुत ही थोड़ी देर का होता है, एफिमिरल। ईवा सेंट की जो खुशबू होती है बहुत ही कम होती है, इवेनिसेंट, राइट? ठीक है, फ्लीटिंग हो गया, ट्रांजिएंट हो गया, एफिमरल हो गया, इवेनिसेंट हो गया, और क्या हो गया हमारा? मोमेंट्री हो गया। ये जो परपेचुअल है, इसका मतलब होता है भाई एवर लास्टिंग, ठीक है? परपेचुअल का मतलब क्या है? परपेचुअल का मतलब है एवर लास्टिंग। चलिए आगे चलते हैं, पैरागॉन। तो भाई पैरागॉन का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, और परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था एपिटोम, ठीक है? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई जो रेखा जी है वो क्या है? वो एपिटोम है ब्यूटी और ग्रेस का। तो इन दोनों वर्ड्स को साथ में याद रखेंगे, क्या है भाई? हमारा एपिटोम है और क्या है हमारा? पैरागॉन है। दोनों का ही मतलब क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, प्रीडिकमेंट भाई, प्रीडिकमेंट भाई, प्रीडिकमेंट इसका मतलब होता है बहुत ही बेकार सिचुएशन, बहुत ही बेकार सिचुएशन है, बहुत ही आप खराब सिचुएशन से गुजर रहे हो, डिलेमा से गुजर रहे हो। डिलेमा क्या होता है? जब आप कंफ्यूज होते हो, आप एक बहुत ही ना होता ना कि एक अलग ही माइंडसेट में हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है? तो प्रीडिकमेंट क्या होता है भाई? बहुत ही एक खराब सिचुएशन से गुजरना, बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजरना, ठीक है? तो उसका यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आ रिलीजियस वॉर, ठीक है? ये रिलीजन वॉर नहीं है, रिलीजियस वॉर है, ठीक है? धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध के लिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रूसेड। हाँ भाई, क्रूसेड क्या है? क्रूसेड है आपका धर्म युद्ध। अ रिलीजियस वॉर, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। इसके ऊपर मैंने इतनी बार बता दिया, ठीक है? मैराथन क्लास में भी बताया था, शॉर्ट्स में तो बताया ही है मैंने आपको। तो भाई ऐसा इंसान, ऐसा ऑरेटर, ऐसा लीडर जो क्या करता है, जो अपने बोलने के तरीके से पब्लिक को क्या करता है भाई? अपने पीछे पब्लिक को फुसलाता है, ठीक है? वो कौन होता है भाई? वो होता है आपका डेमागॉग, ठीक है? डेमागॉग कौन होता है? वो लीडर जो भाई पब्लिक को भाषण के थ्रू, अपने भाषण के थ्रू क्या करता है? उकसाता है, अपनी तरफ खींचता है, उसका फेवर जीतता है, राइट? जरा ये जो वर्ड है ना, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर आपका होमवर्क वर्ड है। आप सभी बच्चे वीडियो के बाद नीचे कमेंट करके बताएंगे। अब जरा इसे पढ़िए, अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। वो चीज जो आप एज अ रिमाइंडर रखते हो, किसी भी चीज, मतलब कोई भी चीज है जो आप एज अ निशानी रखते हो, किसी भी इंसान से रिलेटेड, किसी भी जगह से रिलेटेड, या किसी भी मतलब इवेंट से रिलेटेड आपने उस चीज को रख लिया ऐसा निशानी, ठीक है? तो उसके लिए हमारा वर्ड है सोवेनिर, ठीक है? क्या वर्ड
कार्ड है, हमारा सोवेनिर है, पेनेशिया आपको पता है रामबान, सिनेक्योर होता है, सिनेक्योर को रिलेट करेंगे साइन से, ठीक है। सिनेक्योर एक ऐसी पोस्ट होती है जहां पर क्या होता है, आपका बहुत ही कम काम होता है और बहुत ज्यादा सैलरी होती है, ठीक है। अ जॉब विद लिटिल वर्क और हाई सैलरी, ठीक है, काम होगा ना के बराबर और भाई सैलरी होती है मोटी, ठीक है। तो इसको रिलेट करेंगे कि भाई बस उसका साइन करने का काम है, ठीक है, क्या काम है, बस उसका सिर्फ और सिर्फ साइन करने का काम है और उसको उसी के लिए लाखों रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब ये रीगेलिया, हाँ भाई, ये जो रीगेलिया वर्ड है ये आपका सेकंड होमवर्क है, इसको भी आप इम्पोस्टर के साथ बताएंगे। वन हु कैन नॉट हियर, भाई वो इंसान जो सुन नहीं सकता, ध्यान दीजिए, जो सुन नहीं सकता वो डेफ होता है, ठीक है, बहरा होता है, इनऑडिबल तो होता है जिसको सुना नहीं जा सकता, डेट कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है, जिस आवाज को आप सुन नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इनऑडिबल बोलते हैं, जो सुन नहीं सकता, वन हु कैन नॉट हियर, वो कौन होता है, वो होता है भाई बहरा, डेफ। और एलिजिबल क्या होता है भाई, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, डेट कैन नॉट बी रेड, ठीक है भाई, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे डॉक्टर की हैंडराइटिंग होती है, ओके चलिए। अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस, भाई वो जगह जहां पर एयरप्लेन्स को रखा जाता है मेंटेनेंस के लिए, तो ध्यान देना है ये एच ए एन जी ई आर नहीं होता, ये क्या होता है, ये एच ए एन जी ए आर होता है, बहुत ही कॉमन है, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, रट लो, दिमाग में डाल लो, एच ए एन जी ए आर, ठीक है, ये वाला हैंगर है जहां पर, इसको याद करेंगे कैसे भाई, यहां पे ई नहीं आएगा, ठीक है, ये क्या है, ये एयरप्लेन से रिलेटेड है, तो यहां पर आपका ए ही आएगा, ओके। idioms and phrases, हाँ जी, call the shots, भाई call the shots का मतलब क्या होता है, अब options देखिए, to be in a neutral position, भाई neutral position क्या होती है, in a powerless position that follows orders, नहीं भाई, यहाँ तो वो खुद call कर रहे हैं shots को, तो call the shots होता है भाई एक ऐसी position में होना, एक ऐसी powerful position में होना जहाँ पे आपके पास right है कि आप चीज़ों को control कर सकते हो, influence कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आपके पास right है, आप order देते हो और आपके according चीज़ें क्या होती हैं, चलती हैं, आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, राइट, टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजंस दैट इन्फ्लुएंसेस आवर सिचुएशन। अकाइल्स हील, हाँ भाई, अकाइल्स हील का मतलब क्या है, अब देखिए, अगर जब आप नई नई हील्स पहनते हो, ठीक है, नई नई हील्स पहनते हो और बहुत ज्यादा चलते हो तो क्या हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, तो अकाइल्स हील को रिलेट करेंगे, यहाँ पे ये भागने की बात नहीं है, रन अवे की बात नहीं है, स्केपिंग की बात नहीं है, यहाँ पे बात है भाई कोई ऐसा वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है। सभी इंसानों को देखो, सभी इंसानों का ना एक एक वो होता है कि भाई कोई कोई बात होती है जो वो कोई भी करना पसंद नहीं करता, मतलब हर एक सब एक इंसान का एक वल्नरेबल पॉइंट होता है कि भाई इस बारे में मेरे से बात मत करना, ठीक है। तो अकाइल्स हील क्या है भाई, अकाइल्स हील है आपका वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है भाई, वो पॉइंट, वो जगह, मतलब जहाँ पे अगर किसी ने उस चीज़ को लेकर कमेंट करा तो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट होगा, ठीक है। तो अकाइल्स हील क्या है आपका, अ वल्नरेबल पॉइंट, राइट। फाइट शाई ऑफ, तो फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है अवॉइड करना, और एक और हमारा idiom है स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है, स्टीयर क्लियर ऑफ का भी मतलब क्या होता है भाई, अवॉइड करना, ठीक है, चीजों को अवॉइड करना ताकि भाई आप बच सको, समझ आया, फाइट शाई ऑफ, स्टीयर क्लियर ऑफ, हाँ जी। ब्लाइंड अली, ब्लाइंड अली का मतलब क्या है भाई, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से भाई प्रोग्रेस क्या है, संभव नहीं है, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से भाई कोई भी प्रोग्रेस नहीं करी जा सकती, क्लियर हुआ भाई सभी को। चलिए फिर यहाँ पर हमारा ये सेशन एंड होता है, मैं फिर से रिपीट करूँगी भाई, जो ये हमारी वीडियो है वोकैब सीरीज की वीडियो, वो मंडे टू सैटरडे आती है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे डेली आएगी। टाइम क्या रहेगा भाई, टाइम रहेगा सुबह 7 बजे, हाँ जी, सुबह 7 बजे आपको ये वीडियो डेली टाइम से मिल जाया करेगी, ओके। तो भाई रेगुलरली फॉलो करना है, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको एग्जाम पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, बट मेरा यही कहना है कि भाई मुश्किल से ये 10-20 वर्ड्स है, तो अपने खुद की नोटबुक बनाओ, नोट करो और उनको साथ के साथ पढ़ो और याद करो और रिवाइज करो, ठीक है, अपना डेली का टारगेट बना लो कि भाई मैम के साथ हमें चलना है, जो मैम आज की क्लास में वर्ड्स करा रही है, हमारा टारगेट है कि भाई हमें आज पूरे दिन में वो सारे वर्ड्स अपनी टिप्स पे याद कर लेने हैं, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू एवरीवन सो मच, बाय बाय।